नमस्कार। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र दिल्ली के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच वो महान विभूति हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है और राष्ट्र समाज सेवा को अपना सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व मानते रहे हैं। वर्तमान में वे हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष हैं, प्रख्यात संविधानविद, राजनीति एवं इतिहास के विशेषज्ञ पद्मश्री श्री रमेश पतंगे जी हमारे बीच हैं। इससे पूर्व की हम चर्चा प्रारंभ करें, मैं एक संक्षिप्त परिचय हमारे आज के विशिष्ट अतिथि और जिनसे हम चर्चा करें पद्मश्री रमेश पतंगे जी का रखना चाहूंगा। आप साप्ताहिक विवेक के पूर्व रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल से ही आप स्वयंसेवक रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपने अपना संपूर्ण जीवन संघ कार्य के विभिन्न दायित्वों को सक्षमता से निर्वाह किया है। आपकी गणना न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के प्रसिद्ध विचारकों एवं वक्ताओं में होती है। मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी में भी आपकी उतनी ही पकड़ है। मराठी भाषा में आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें समरसता, संघर्ष, महामानववाचा, बहुस्पर्शी विवेकानंद, महामानव अब्राहम लिंकन जैसे अनेकों दर्जने पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इन सभी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है। आपकी प्रख्यात पुस्तक मैं, मनु और संघ का देश की 9 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और पिछले 25 वर्षों से यह पुस्तकें पाठकों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। वर्तमान में आप हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष हैं। आपने अर्थशास्त्र विषय में एमए किया हुआ है और आपकी सोच रही है कि किसी भी राष्ट्र को सशक्त और बलवान बनाने के लिए उसकी प्रजा का आपस में भाईचारे का व्यवहार करना आवश्यक है। हम आज आपसे चर्चा करेंगे इसके जो विषय मैंने पूर्व में आपको बताया कि हमारा आज का विषय वाल्मीकि जयंती और सामाजिक समरसता है। तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आपने अत्यंत ही योगदान दिया है, खासतौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विषय में जो आपकी लेखनी रही है, जो आपके विचार रहे हैं, इससे समाज के सामने कई नए पहलू सामने आए हैं। और आपकी पुस्तक जो डॉक्टर अंबेडकर पर आपने पुस्तक लिखी है संघर्ष महामानव का, ये बहुत बहुचर्चित रही है और आपके द्वारा एक संपादित पुस्तक भी आई है समरसता के सूत्र, जो देश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि वाल्मीकि जी कौन थे और उनका क्या योगदान था, पूर्व में उनका क्या नाम था, ऐसे एक सामान्य परिचय के साथ हम आज का अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। जी, बहुत बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, क्राउन चुपकली के एक नर को एक व्याध ने अपने बाण से मारा, तब उनके मुख से एक शाप वाणी श्लोक निकला, मा निषाद तुम दुमा शाश्वती क्षमा यत क्राउन च मिथुनाथ एकम अवधि काम मोहितम। इस प्रकार से उन्होंने जो उनके मुख से मारे निकले, ये काव्य की पहली विश्व की पंक्ति है जी, अनुष्टुप छंद जी जी। और फिर बाद में उन्होंने रामायण के रचना की जी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भगवान वाल्मीकि या महर्षि वाल्मीकि ये मानव जाति के आद्य कवि है, पहले कवि है जी जी। रामायण भी क्या है तो प्रभु रामचंद्र जी की जीवनी है, यानी आद्य चरित्रकार है जी जी। दूसरे अर्थ में ये कथा है, यह आद्य कथाकार है वाल्मीकि जी। और ये रामायण ऐसा रहा कि जिसका सारे विश्व में फिर आगे चलकर प्रचार हुआ, विशेष करके अग्नेय एशिया के जो सारे देश है, जापान, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पर उनकी हर एक की भाषा में अपना अपना एक रामायण और वो वाल्मीकि जी के रामायण को फॉलो करते हैं जी। मलेशिया में और इंडोनेशिया में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य नाटिकाएं की जाती है, निरंतर प्रकार से की जाती है। ऐसा एक विश्वव्यापी प्रभाव रहने वाला जबरदस्त ऐसा एक वाल्मीकि का चित्र है जी जी। इस वर्ष जो वाल्मीकि जयंती है वह 28 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी,
और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारा सनातन धर्म है इसमें महर्षि वाल्मीकि जी का, जैसे अभी तो आपने बताया पूरा उनका उल्लेख किया है, तो सनातन धर्म से जोड़कर हम देखें तो महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको कि वाल्मीकि समाज भगवान के रूप में भी देखता है, हम सभी सनातन धर्मी उन्हें महर्षि और भगवान के रूप, तो उनका सनातन धर्म में क्या स्थान है, इस विषय पे आप अपना क्या विचार? ऐसा है कि भारत का वर्णन धर्म भूमि इस प्रकार से किया जाता है। धर्म भारत की आत्मा है। ये धर्म क्या है? तो लोग गलती से धर्म को उपासना पद्धति मान गए, लेकिन हमारी धर्म की कल्पना यह नहीं है। तो धर्म की हमारी कल्पना यह है कि मनुष्य जीवन में हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता जी है। राजा है तो उसका राज धर्म है, पुत्र है तो उसका पुत्र धर्म है, पत्नी है तो उसका पत्नी धर्म है, पिता है तो उसका पितृ धर्म है। मैं एक समाज का अंग हूँ तो मेरा एक समाज धर्म बनता है, मैं राष्ट्र का अंग हूँ मेरा राष्ट्र धर्म बनता है। तो यहाँ धर्म का मतलब होता है कि कर्तव्य का आचरण करना चाहिए। रिश्ते के साथ जो जो कर्तव्य आते हैं उनका आचरण हमने करना चाहिए। यह आचरण कैसे होना चाहिए इसका महान आदर्श प्रभु रामचंद्र जी है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कहा जाता है। राजा एक आदर्श राजा है, पति एक आदर्श पति है, बंधु एक आदर्श बंधु है। इस प्रकार से कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए, ये कर्तव्य धर्म का पालन भी न्याय और नीति के आधार पर होना चाहिए। सबके साथ न्याय होना चाहिए, किस कोई भी अन्याय का शिकार न बने। और नैतिकता जो होती है वो नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक पत्नी व्रती है, और राजाओं की बाद में चलकर जो राजाओं की खास खासियत रही कि बड़ा बड़ा जनाना रखते थे, लेकिन अपने इतिहास में रामचंद्र जी का एक उदाहरण, अनोखा उदाहरण है, वो एक पत्नी व्रती है। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। पूजा पद्धति किसकी करे, पूजा किसकी करे, ये जिसके जिसके व्यक्तिगत रुचि पर अवलंबित होता है। मुझे गणपति से रुचि है, मैं गणपति की पूजा करूंगा। मुझे देवी से भक्ति है, मैं देवी की पूजा करूंगा। जी मुझे महादेव से भक्ति है, मैं महादेव की पूजा करूंगा। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन किसी की भी पूजा करनी है तो उसमें आपस में झगड़े बिगड़े करना, ये कोई अपना स्वभाव नहीं है। पूजा पद्धति के कारण हमारे देश के अंदर कभी इस प्रकार के झगड़े खड़े नहीं किए जाते। ऐसा नहीं होता है कि शिव भक्त वो देवी भक्त से उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। वो सबका सब एक दूसरों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए जीना है, यह हमारा सनातन धर्म है। यह सनातन इस सनातन धर्म की आधारशिला नींव भगवान वाल्मीकि जी ने रखी है। इनका योगदान इसके संदर्भ में अभूतपूर्व अलौकिक इस प्रकार का है। जी आप जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म की आधारशिला भगवान वाल्मीकि जी ने रखी है, क्या हमें आदिकाल में ही सामाजिक समरसता से जोड़ें या उन्हें महर्षि और एक सनातन धर्म के स्थापक कर्ता के रूप में देखें? तो रत्नाकर जो पूर्व का उनका नाम था, रत्नाकर से जो वाल्मीकि बने वो, और इसमें सामाजिक समरसता का क्या दृष्टिकोण है, इस पर आप अपना विचार प्रस्तुत करें। जी देखिए भाई साहब, ये सामाजिक समरसता यह इस कालखंड का शब्द है। जी अब इस कालखंड का किसी भी व्यक्ति को उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ता जी है। आज आज का कालखंड कैसा है कि सारा हिंदू समाज जो है वो लगभग 6,000 जातियों में बटा है।
इसमें से अस्पृश्य जातियां हैं, गिरी कंदरों में रहने वाले हमारे जो बंधु है उनको आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक एकता का चित्र, एक बिखराव का चित्र सामने आता है। महर्षि वाल्मीकि जी के कालखंड में आज जैसी जाति प्रथा एकदम जिसको कहते हैं रिजिड और कठोर होगी, ऐसा नहीं। अस्पृश्यता उस समय होगी इसका भी कोई प्रमाण नहीं। ये सारे आज के मानो कि ईसा पूर्व के बाद दूसरी तीसरी शती से ये सारा माहौल प्रारंभ होता है। जी तो इसीलिए इनको अगर समाप्त करना है तो हम सब एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी सनातन धर्म परंपरा एक है, हमारे आदर्श एक है, हमारा एक देश है जिसे हम भारत माता कहते हैं, उसकी हम संतान है। इस भाषा में आज के जमाने में विषय रखना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि जी के कालखंड में जो चित्र आता है उसमें भगवान रामकृष्ण शबरी के बेर झूठे बेर खाते हैं, वहां कोई जाति का वगैरह विषय उनके मन में भी नहीं आता है, शबरी जी माता के भी मन में नहीं आता है। केवट जी जी से जो वो गंगा पार करते हैं वो गुहा जो है उसको उसे गले लगा लेते हैं, बाद में जब वो दंडक अरण्य चले जाते हैं, किष्किंधा नगरी में जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं और वो जरा चेहरे पट्टी से दिखने अलग अलग प्रकार से दिखने वाले लोग हैं, तो उनके साथ उनका स्नेह बंधन निर्माण होता है। वहां पर भी कोई इस प्रकार का जाति भेदभाव वगैरह का कोई विषय नहीं आता है। तो ये का आदर्श है, इस प्रकार का जो उस समय का चित्र है उसको फिर से हमने खड़ा करना चाहिए। ये सारे जो भेद दिखते हैं हमको ये भिन्न भिन्न कारणों से बने हैं। इसमें कुछ हमारी गलतियां हैं, हमारे शास्त्रकारों की गलतियां हैं, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने जो कुछ बातें बनाई है। कालखंड के टूटने से हर एक चीज का और ये करना चाहिए। समरसता ये शब्दों कोई वाल्मीकि रामायण में वगैरह हमने को नहीं मिले, जी ये आधुनिक काल का शब्द प्रयोग है। और विशेष करके समरसता शब्द का प्रयोग ये जो नाथ संप्रदाय निर्माण हुआ उस नाथ संप्रदाय का ये शब्द प्रयोग है, और उन्होंने सामरस्य सिद्धि इस नाम से भी एक सिद्धि का वर्णन किया है। तो जी ये सारा विषय जो है, जैसे जैसे काल बदलता है तो काल बदलने के बाद हमारी जो पुरानी मान्यता है जिस आदर्श काल में हम रहे हैं उसकी ओर हमको जाना है, जी इसके जी इस रूपे से समाज के सारे जो बड़े लोग हैं वो सोचते रहते हैं। उस प्रकार से इस कालखंड में समरसता का विचार करके काम जो चलता है करना चाहिए, और इसलिए हम लोग मानते हैं कि भगवान वाल्मीकि ये समरसता के रूपे से आदर्श है। जो चित्र उन्होंने प्रभु रामचंद्र का जी का दिया है वो हमारे लिए आदर्श चित्र है। आपने बहुत सही कहा कि वाल्मीकि समाज ने मुस्लिम आक्रमण और इसके झुक इसमें झुक कर ना बल्कि अपने धर्म को बचाए रखा, भले साफ सफाई का कार्य स्वीकार किया और वो वंदनीय है, पूजनीय है। बहुत सही बात आपने कही। और आज के समाज को, और अगर हमें कुरीतियां और सामाजिक समरसता की ओर आगे बढ़ना है तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा और आपकी बात को समाज में पहुंचाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मेरा अगला प्रश्न है कि जो आज का समय है, वर्तमान समय में, इसमें हम सब देख रहे हैं कि सनातन धर्म को विभिन्न जातियों में बांटने का एक बड़ा कुचक्र चल रहा है कि समाज को, और खासतौर पर हिंदू जो हमारा सनातन धर्म, इसको बांटा जाए। ये विश्व की बहुत सारी ताकतें हैं, अनेक जो धर्म तथा कथित धर्म हैं वो इसमें लगे हुए हैं। और इसमें बहुत ज्यादा देखा जाए तो वामपंथ का भी जो जिस प्रकार का उनका लेखनी है और उनका, जिनको वर्तमान संदर्भ में हम टुकड़े गैंग और ये सब नाम से जानते हैं, उनकी भी इस तरीके का कार्य चल रहा है। तो
वाल्मीकि जी का जो योगदान रहा है, वाल्मीकि रामायण है, वो सामाजिक समरसता और समाज को जोड़ने में, इस सनातन धर्म को जो बांटने का कुचक्र चल रहा है, इस ओर आप इसको कैसे जोड़कर आप देखते हैं? एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि ये जो वामपंथी जो एजेंडा चलाते हैं, उनकी भाषा का शब्द प्रयोग करना है तो नैरेटिव बिल्कुल करते जाते, एक 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 जी कथा में निर्माण करते जाते, जी ये कभी जनमान्य होने वाला नहीं, इसको लोक स्वीकृति कभी मिलने वाली नहीं। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि वाल्मीकि जी के संस्कार का सामर्थ्य इतना जबरदस्त है कि उसको तोड़कर और ये सब नई बातें घटना, ये असंभव सी बात है, असंभव सी बात। वो थोड़ा थोड़ा उनको प्रचार माध्यम जो है, जैसे टीवी चैनल्स है या अखबार है, लिखने वाले हैं, वहां पर वो बैठे हैं, आवाज उनकी बहुत है, लेकिन जनमान्यता उसमें कुछ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसका एक ही उदाहरण देना है तो अभी का अयोध्या में राम लला जी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए समर्पण निधि का एक अभियान चला देश के अंदर। इस समर्पण निधि अंदोल अभियान में ऐसे ऐसे अनुभव है, एक भिखारी भी कार्यकर्ता गए, अभी भिखारी से क्या मांगना है, तो भिखारी ने उनसे बोला, अरे आप मुझसे क्यों नहीं पैसा मांगते हो, उसने जो पूंजी जमा की है सब अर्पण, किसी जी घर की बुढ़िया है, अकेली है, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, उसने जो अपनी पूंजी बना के रखी है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसने मंदिर को अर्पण किया। वो कभी जन्म में भी अयोध्या नहीं गई होगी, जा भी नहीं सके। यह जो राम सबके हृदय के अंदर जितने गहराई से गए हैं, वहां से उसको इस प्रकार के झूठे और विकृत इस प्रकार के नैरेटिव बनाकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। ये सारी राजनीति है, और राजनीति कैसे चलती है, तो राजनीति का जाति की राजनीति में एक विषय आता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो जी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स निर्माण करना है तो हर एक जाति को एक स्वतंत्र आइडेंटिटी देना बड़ा आवश्यक होता है, और फिर उसका एक नैरेटिव बिल्डअप करना पड़ता है। इस प्रकार से एक नैरेटिव वो बिल्डअप करते जाते हैं, लेकिन और फिर उसको कहते हैं कि यह अस्मिता की राजनीति है, हमारी जातिगत अस्मिता की राजनीति, ऐसा भी कहते हैं। ये सारी राजनीति की जो जड़ें हैं वो अंग्रेजों ने यहाँ पर जमाई, उन्होंने इसका सारा बीजारोपण किया है, इसका ही ये सारा लोग फॉलो करते हैं। ये कभी अपने मकसद में यशस्वी होने वाले नहीं, और जैसा जैसा समय बीतता जाएगा आगे चलकर, और जिस प्रकार का आज का वातावरण है कि अपनी जड़ों की ओर जाने का, हम क्या थे, आज ऐसे क्यों हैं, कल हमको क्या बनना है, इस प्रकार से हर एक आदमी सोचता है, पढ़ा लिखा आदमी भी सोचता है, और वो ये सारे झूठे प्रकार के सारे जो नैरेटिव चलते हैं, फिर वो महिषासुर का नैरेटिव चलेगा, रावण का चलेगा, और किसी का चलेगा, इसमें कोई अर्थ है ऐसा नहीं है। प्रसिद्धि उसको मिलेगी, आवाज उनका बड़ा होगा, आवाज से क्या होता है, जैसे मराठी में एक कहावत है कि गर्जेल तो बरसेल का है, यानी जो गरजता है वो जी बरसता नहीं है, तो जी गरजता ही रहता है, तो बरसने वाले बादल अलग होते हैं, वो समरसता के बादल है, वो बरसते रहेंगे, और ये सारा विकृत माहौल है वो खराब करते हैं। जी इस विषय को लेकर हम महाराष्ट्र में आज 30 से भी अधिक सालों तक काम करते रहते, और हमने जब समरसता का काम शुरू किया यहाँ पर, तो पहला विषय ये रखा कि कोई भी साधु संत सत्पुरुष महापुरुष ये किसी जाति के नहीं होते, वो सारे समाज के, इसलिए
इसलिए हमने भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी जयंती है, उनके उत्सव है, ये सब समाज ने मनाने चाहिए, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। जैसे पूज्य बाबा साहब जी की जयंती मनानी है तो वो दलित बस्ती में जाकर जयंती नहीं मनानी, तो वो ऐसी जगह मनानी है जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा, जहां पर प्रभु रामचंद्र की राम नवमी का कार्यक्रम होगा, ऐसे जगह पर कार्यक्रम हमने करने चाहिए और उसमें हम काफी मात्रा में सफल रहे। इस सफलता के दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये महाराष्ट्र में एक स्थान है पुणे में, जहां पर गणेश जी का मंदिर है, सारस बाग ऐसा उसको बोलते हैं, सारस बाग गणपति, पेशवे कालीन गणपति है, और दाहिनी ओर उसकी जो सूंड है वो दाहिनी ओर है, सुंदर मूर्ति है। उसका एक ट्रस्ट है, देव देवस्थान ट्रस्ट इस नाम से। उसके पीछे एक पहाड़ी है जिसको पर्वतीप कहते हैं, वो पर्वती का सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहब जी ने किया था, मंदिर में जाने के लिए वो अयशस्वी हो गया। आज से एक 4-5 साल पहले उस देवस्थान के जो मुख्य अध्यक्ष है उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि हम ये सारस बाग जो गणेश मंदिर है उसका सभागृह बहुत बड़ा है, यहाँ पर पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का एक व्याख्यान रखना चाहते हैं और उसको आपको आना है। जी तो मैं उस वहां पर गया था। ये परिवर्तन है, जिसे लेफ्टिस्ट की भाषा में कहना है तो इट्स ए सोशल रिवोल्यूशन। जी जी वो ट्रस्ट के मंडली है कौन सा, ब्राह्मण समाज के, वो ब्राह्मण समाज के। मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि भाई मुझे बुलाओ करने के लिए, या कोई सामाजिक दबाव ऐसा भी नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया। नासिक में काला राम नाम का मंदिर है, जहाँ नासिक में पंचवटी में जहाँ प्रभु रामचंद्र जी का निवास रहा, वहां एक मंदिर बनाया, उसको काला राम मंदिर कहते हैं, उसका भी सत्याग्रह बाबा साहब जी ने किया था। 2005 में हमने एक महाराष्ट्र में समरसा यात्रा निकाली थी, तो और वो 4 दिशाओं में जाकर एक जगह आने वाली थी, 4 दिशाओं से निकलकर एक जगह उनका कार्यक्रम होना तय था। तो वो उस मंदिर के जो पुजारी है सुधीर दास जी महाराज, उनका हमको संदेश आया कि जितने यात्रा के प्रमुख है वो सब यात्रा के प्रमुख, वो हमारी परिभाषा नहीं है लेकिन जनता की परिभाषा है, वो दलित वर्ग के, तो सबको उन्होंने मंदिर में बुलाया, राम याग किया 1 घंटे भर का जनवरी की कड़ाके की ठंडी में, और मंदिर के गर्भगृह में सबको लेके गए, राम जी जी के मंदिर के पास, राम जी के गले के हार निकाले, सबके गले में डाले, वस्त्र दिए और 2 वाक्य कहे कि मेरे दादाजी ने जो ऐतिहासिक भूल की, मंदिर सत्याग्रह करके बाबा साहब जी को यहाँ प्रवेश नहीं दिया, इसे मैं सुधारना चाहता हूँ, ये गलती हो गई। ये हमारा समाज है, जैसे मैंने पहले कहा ना कि धर्म की हमारी जो संकल्पना है वो इतने जड़ तक गई है, आदमी उसके लिए मारपीट करना वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा जी समय बीतना चाहिए, और काल बदलते ही व्यक्ति भी बदल जाता है। इसलिए ये समाज के सारे संत जो है, उन सारे संतों का, सारे समाज ने एकत्रित आकर उनका अभिनंदन, वंदन, भजन, संकीर्तन सब करना चाहिए। और जैसे मैं दिल्ली दो परसों दिल्ली में वो वाल्मीकि मेले में आया था, वो जी सारा दृश्य देखकर मुझे बहुत आनंद हो गया कि सारी जाति जमाती के लोग वहां है, मंच पर है, सामने भी बैठे हैं, सब मिलकर भगवान वाल्मीकि जी का संकीर्तन कर रहे हैं, और वहां कोई जाति पाति का कोई विषय नहीं था, जी एक साथ रहे, एक साथ खा रहे, एक साथ पी रहे, हंसी मजाक कर रहे। ये जो छोटा सा दृश्य है ये धीरे धीरे सारे भारतव्यापी ये बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी
बिल्कुल सही आपने दृश्य रखा है कि समय लगेगा और लेकिन सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता आएगी और ये जातियों का अंतर भी मिटेगा, थोड़ा समय लगेगा। अब आखिरी के दो सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। एक प्रश्न जो काफी समय से चल रहा है और जो सामाजिक आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं, एनजीओज हैं, सबके मन में रहता है कि हिंदू समाज को कैसे एकत्र किया जाए, क्योंकि ये बांटने वाली ताकतें भी लगी हुई हैं और वर्तमान पीढ़ी जो है वो भी, अगर ऐसी कुछ बातें आप सनातन धर्म से जुड़े कहें तो उसको रूढ़वादी के रूप में लेती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव की बात आपने की, वामपंथी नैरेटिव, उसमें ज्यादा वर्तमान पीढ़ी फंसी हुई है। तो मैं ये आपसे इस विषय पे जानना चाहता हूँ कि हिंदू समाज एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर की अवधारणा को कब और कैसे पूरा करेगा? आप क्या देखते हैं इस विषय में, कितना समय लगेगा और क्या करने की आवश्यकता है? उसमें एक वाक्य में कहना है तो जो हमारा संविधान है आज का, इस संविधान का हृदय से पालन करना चाहिए, हर एक जीना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ए लिविंग डॉक्यूमेंट, वो केवल कानून का एक दस्तावेज ना रहेगा, इसे लिविंग डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। जैसे अमेरिका का संविधान 1797 में बना, 1787 में बना अमेरिका का संविधान, केवल 7 अध्याय और 8,000 शब्दों का है। संविधान ने क्या किया? तो इस संविधान ने 50 राज्यों की महासत्ता अमेरिका का निर्माण किया। वो विश्व की लश्करी महासत्ता है, ज्ञान की महासत्ता है, साधन संपत्ति की महासत्ता है, सबसे अमीर देश है, सब कुछ किया है। अब ये शब्दों तो केवल शब्द ऐसा नहीं कर सकते, तो शब्द के भाव को हर अमेरिकन व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है। वैसे हमारे संविधान का जो भाव है, जैसे प्रियम्बल में ये कहा गया है कि हम ये संविधान बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये उन्होंने बात कही। यानी हमको न्याय के आधारित समाज रचना निर्माण करनी है, अर्थ रचना निर्माण करनी है, राज्य के माहौल, राजनीतिक माहौल निर्माण करना है। तो ये सारा जो उसका जो आत्मा है, भाव है, इसको हर एक नागरिक ने समझना चाहिए। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो सारे भारत को, आपने तो केवल हिंदू की बात कही, मैं उसे भी जाकर, भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियंस है, मुसलमान है, जू तो अब नहीं है यहाँ पर, ऐसे सारे लोगों को एक कानून से बांध कर रखने वाला ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में है। वो कैसे है? तो Part 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जी Article 13 से Article 21 तक, उस Part 3 का जो ओरिजिनल संविधान है हस्तलिखित, उस पर राम, जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। जी वो अयोध्या में जा रहे हैं। वो क्या बताता है? वो यही बताता है कि हमको राम राज्य निर्माण करना है। राम राज्य अगर निर्माण करना है तो अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी पालन करो, बिकॉज एवरी राइट हैज ए करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। जी राइट्स विदाउट ड्यूटी इज मीनिंगलेस, कल्पना। तो इस प्रकार से हर एक राइट को भी समझना चाहिए, उसके साथ में आने वाली ड्यूटी को भी समझना चाहिए। जैसे मुझे समानता का अधिकार मिला है, तो समानता का अधिकार मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं किसी के भी साथ असमानता का व्यवहार नहीं करूं। यह करना यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, यह करना यानी रामायण की जो राम राज्य की कल्पना है इसका पालन करना। मुझे भाषण स्वतंत्र है, विचार स्वतंत्र है, संचार स्वतंत्र है, वैसे तो दूसरों को भी है। मैं वैसा तू, इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। एवरी राइट हैज ए करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, इसे भी समझना चाहिए। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाना हमने चाहिए, और उस दिशा में संविधान साक्षरता को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एक कालखंड के अपने अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं,
समस्याएं अलग अलग प्रकार की होती है, और इसके लिए उसको नए प्रकार से और उत्तर ढूंढने पड़ते हैं। तो ये हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने, जिसमें 279 सदस्य थे, 15 महिलाएं थी, जिसको मदर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी कहा जाता है, और उसका सारा ड्राफ्टिंग लेखाबद्ध पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। तो ये सारी बातों को वन लॉ, वी शुड हैव ए वन लॉ। और दूसरी बात है कि जो हमारी एक सनातन धर्म संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्य है, और उसको भी जीना चाहिए। जैसे हमारे समाज जीवन का आधार हमारा परिवार होता है, तो परिवार में अच्छा रहे, जैसे हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट स्टेट कैन नॉट स्टैंड कहा जाता है। जिस घर में झगड़े है वो परिवार टिकता नहीं, झगड़े अपने परिवार में कैसे कम हो, सबके साथ एक मिलकर कैसे रहे, हर एक ने अपने कर्तव्य का कैसे पालन करना चाहिए, इसकी भी जागृति करने की बड़ी आवश्यकता है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संत परंपरा है, हमारे साधु संत है, सत्पुरुष है, महापुरुष है, तो उनके जीवन चरित्र अपने बच्चों को बताने चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। ये सारा विषय जो है भारत को जोड़कर रखने वाला है, एक करने वाला विषय है। रामायण महाभारत की कथा सुनकर तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। जैसे मैंने एक भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में कहते न हो शिवाजी तो सुन्नत हो तो सबकी, उसी भाषण में मैंने कहा न हो तो वाल्मीकि तो न हो शिवाजी, इतना उनका महत्वपूर्ण है। तो ये सारा जो है अपने बच्चों को सभी लोगों ने देना चाहिए। ये मुक्त धन है, कहीं से जिसका फुकट का मिला है, जिसको खरीदना नहीं है, केवल बांटना है, बांटने से वो बढ़ेगा। ये सांस्कृतिक आधार पर, संवैधानिक आधार पर हमारा देश एक रहेगा, अभी तक एक रहा है, आगे भी एक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने आज इस अवसर पर इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र को जो यह समय दिया। मैं संजय वर्मा इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आपकी कई बातों को निश्चित रूप से जब समाज सुनेगा देखो, निश्चित हम आशा करते हैं कि सामाजिक एकता समरसता की ओर हम जरूर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।